সবাই যেন হাত জোড় করে রাম রাম পৌঁছ যায়। আপ সব কেসে হো? হম আশা করে থে কি আপ সব ঠিক হো আর হম ভি ঠিক হ্যাঁ। और आज हम आपके लाने लेके आए हैं अपने बुंदेली झलक चैनल पे बुंदेली स्टाइल में भरमा की भट्टा। बहुत स्वादिष्ट बनत है और बहुत सेहतमंद होते हैं। कैसे हम एक तो मिट्टी के हड़िया में बनाऊत हैं, दूसरा हम मसाले सेल पे पीसत हैं और तीसरा हम चूल्हे पे हो बनाऊत हैं। बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना हम बनाऊत हैं। हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहियो, पूरी वीडियो देखियो, फुल वॉच करियो, फिर आप पता चले कि भरमा की भट्टा कितने स्वादिष्ट हम बनाए थे। और उकिला ने हमें चानिया है जे हमारे एक पाव भरमा की भट्टा है और जो चार प्याज है, दो टमाटर है, जो अदरक का टुकड़ा है, जो थोड़ा सा लहसुन है और जे सब खड़े मसाले धना मिर्चा हल्दी मोटी इलायची लौंग काली मिर्च दालचीनी और जो सब गरम मसालों है। ये हम गरम मसाले हैं और प्याज हाँ और अदरक हाँ हम पीस ले हैं और बैंगन काटे ले रहे हैं, फिर आप हम बता रहे हैं। तो देखो आप हमारे भरमा की भट्टा के लाने हमने भट्टा काट लिया, टमाटर काट लिया और जो लहसुन छील लो और जो मसालों सब दुख तो हमने दिखाओ तो आप हाँ वो सब पीस लो। और अब जो हड़िया गरम है और इमें डाल ले रहे हैं तेल, हमने एक करछुरी तेल डाल दो। आप हाँ ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन हड़िया में बहुत स्वादिष्ट बनत है और सेहत के लाने बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम जो मसालो है इमें थोड़ी सा नमक डाले ले रहे हैं और नमक डाल के इमें भरे ले रहे हैं। सो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है नमक डालने दे रही है। वो अच्छे से हम मिक्स करने दे रहे हैं जो पूरा मसालो प्याज अदरक पूरे खड़े मसाले धना मिर्चा सब बांट लो हमने इसमें। और अब हम देखो जो भट्टा है सुजे एक एक करके ऐसे भरे ले रहे हैं। हो चुकू है और ये लहसुन हमें सिर्फ तोड़ने भरे बस, हमारे बुंदेलखंड में ऐसा ही बनत है लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनत है। एक बार आप इस तरीके से बना के देखियो फिर हमें कमेंट करके बताइयो कितने स्वादिष्ट बनत है। ये देखो अब मैं इसमें लहसुन डाल रहा और जो पारे से ढक दो, अब जो लहसुन जल है जब तक हम ये भाटा भरने ले रहे हैं जो एक भट्टा हमारे बाबू ने तोड़ दाओ है ये भी हम सब्जी में डाल दे हैं। तो देखो जो टूटू है जो हमने ऐसो भर गए ये ऐसो बंद कर दो। ओ देखो अब जो बगार हो गया और ये हम एक एक करके इनमें डालेंगे और ये अब ढाक के पका रहे कच्ची देर। देखो देखो आप बैंगन हमारे तर गए हैं अच्छे से, देखो बहुत अच्छे तर गए। अब इसमें हम डाल दे हैं जी टमाटर और जो बचो मसालो और बस अब ये हम ढाक के पका है। देखो आप हमारे भरमा के भट्टा बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल घुरे भी नहीं है। टमाटर को मसाला इतना अच्छा भर गए है और अब हम इमें निचोड़ दे हैं एक बड़ा सा नींबू। कैसे हम इन्हें अमचूर को प्रयोग ना करें, नींबू की खटाई अच्छी होती है सेहत के लाने, आंवला की खटाई अच्छी होती है, बाकी और खटाई थोड़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। इसे हम इमें एक नींबू निचोड़ दे हैं जी।
बस एक नींबू निचोड़ने के बाद ये एक मिनट के लाने हम ढाक है और आप जो बताइए अब बता रहे। तो देखो आप, देखो हमारी भरमा की भटक कितने अच्छे बन के तैयार हैं, देखो आप। और हमारे भरमा की भटक इतने स्वादिष्ट और सेहतमंद हैं, आप एक बार बना के जरूर देखियो, आप और भटक काबू भूल जाए हो। तो हमारे भरमा की भटक आप कैसी लगे, और हड़िया को खाना पेट की कोनो भी बीमारी हो, बहुत पूरी बीमारी पेट की सही हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो, गैस बनाते हुए पेट में जलन होते हुए या पेट की थोंद निकली हो, कछु भी हो, हड़िया को खाना बहुत ही फायदेमंद है। और हमारी हड़िया की सब्जी भरमा की भटक आप कैसे लगे, हमारी वीडियो एक लाइक कर दियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दियो, अगर सब्सक्राइब कर दो तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर कर दियो, कमेंट करके बताइए।